एंड सुनने में आया कि मार्केट में लॉन्डे लोग चर्चा कर रहे कि बाबू भाई ने अपना जो R3 बेच के स्विफ्ट लिया है, तो क्या हमने जो अपना R3 सच में बेच दिया है? तो जी, इससे पहले वाला वीडियो जो कि आपने देख लिया, हमारी RS वाली सर्विसिंग वाली वीडियो, अगर नहीं देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपका देखना, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे, चेकआउट कर लेना। तो वो वाला वीडियो मेरा जस्ट अभी एडिटिंग कंप्लीट हुआ है, टाइम हो रहा है कुछ 10:36 एंड हाथों ही हाथ जो एक नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो रेगुलर। हाँ जी, हम वीडियो के आगे में आपको सब कुछ बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ भाई ने सोचा है एंड अभी उसको इंप्लीमेंट करने का हाई टाइम आएंगे। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो दिस इज द थर्ड वीडियो जो कि इन अ रो आ रहा है, एंड पहले जो है तुम्हारा भाई चल रहा था सेकंड गियर में, एंड अभी जो है भाई ने हनुमान गियर लगा दिया, मतलब फुल ऑन अभी जो है वीडियोस आएगी एंड वो भी अच्छी अच्छी कंटेंट आएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे चालू करने का मेरा मेन मोटिव है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एयरटेल का जो तुमने वाईफाई लगाया था कुछ दिन पहले, उसका रेस्पॉन्स कैसा है, वीडियो वगैरह अपलोड करने में कितना टाइम लगता है। सो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो अभी एक बार सबसे पहले आप ये चेकआउट कर लो। तो ये जो अपना वीडियो देख सकते हो 46% रेंडर हो चुकी है, और इस वीडियो का जो टोटल फाइल साइज है वो 3GB का है। तो आपको दिखाएंगे कि एक 3GB के फाइल को अपलोड होने में कितना टाइम लगता है। तो इसका रेंडरिंग कम्प्लीट हो जाए तब तक हम आम पन्ना मारते हैं। चीयर्स। A few moments later. तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे जो अपना वीडियो है रेंडर होके सब कुछ हो चुका है, तो अभी इसको अपलोड करने की बारी। तो यहाँ पे जो है मैं फाइल जब सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आप खाली एक बार स्पीड देखना, ठीक है? तो ये देखो, ठीक है, 1% ऑलरेडी हो चुका है, 6 मिनट दिखा रहा है, 2%, 3%, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो अपने 2.4 GHz वाले में कनेक्टेड है। अभी हम जब अपने 5 GHz में कनेक्ट करते हैं तब आप स्पीड देखना, ठीक है? यहाँ पे हमने कनेक्ट किया अपने 5 GHz वाले में, और अभी आप स्पीड देखो, ये देख लो, 6, 8, 9, 12, 13 देख सकते हो आप, स्पीड देख सकते हो 15, 2, 2, 2.5%, 3, 3% करके बढ़ रहा है, चेक दिस आउट। और पहले जब किसी ज़माने में हम अपने जियो के सिम से 3GB का फाइल अपलोड करते थे, तो हमको लगता था ज़्यादा नहीं, बस 6 से 12 घंटा, और अभी लगता है हमको 6 से 12 मिनट। एंड लॉकडाउन होने के बाद और कुछ होना हो, एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि लोगों को अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से होता है कि शाम के 4-5 बजे अगर आप छत पे आओ तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे बड़े भी दिखते हैं जो कि पतंग वगैरह उड़ाते रहते हैं। अभी मेरे को 2-3 पतंग दिख ही रही है, मतलब अच्छा लगता है यार देखने में। लास्ट लॉकडाउन में हमने भी काफ़ी पतंग उड़ाया था, बट ऐसे छत में आके ऐसे पतंग उड़ते हुए देख के अच्छा लगता है जी। एंड कल वाले वीडियो के बाद जो है काफ़ी सारे लोगों का मुझे पर्सनल DM आया था कि अबाउट RS, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग माई RS के सर्विसिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में DM किया, और मैंने भी उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बातें की, उनको अच्छी तरीके से समझा दिया उनका जो क्वेरीज था। ठीक उसी तरह आप और हम भी जो एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल में कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं भाई साहब। यहाँ पे स्क्रीन में इंस्टाग्राम ID फ्लैश हो रही होगी, फटाफट जाके जो इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो भाई को, तब हम अच्छे से आपके साथ बात करेंगे। वाह भाई साहब, अलग ही स्टेशन में स्कूटी पार्क की है भैया जी ने हमारी। 150 का मार दीजिए भैया, 150 150। 97.04। आज से क्या शाम का 4 बजे से लॉकडाउन कर दिया है क्या, या कल से? कल से है ना, आज से 5 बजे से ही है। चलो किसी तरह रेंगते रेंगाते 2 डंडी आई है। जनरली मैं इतना कम पेट्रोल में कभी बाइक चलाता ही नहीं हूँ, बट कल आने में लेट हो गई थी, और मैं जिस रूट से कल आया था उस रूट में अपने को कोई अच्छा पेट्रोल पंप मिलता है नहीं। और गाइस, जैसे जो है हमारे गुवाहाटी में शाम के 5 बजे से जो है कर्फ्यू लग जाता है, बट अभी सुनने में आ रहा है कि कल से दोपहर के 3 बजे से कर्फ्यू लगना चालू हो जाएगी। और आजकल लोगों को पता चल गया एक्चुअली इस रास्ते के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं मालीगांव साइड निकलने के लिए। तो ये सब जो स्कूटी वगैरह देख रहे हो सब कहीं मालीगांव कोई बोरागांव साइड ही निकलेगा मतलब। एंड यहाँ पे टाइम देख सकते हो 4:40 हो चुके हैं, लेकिन ये अंदर अंदर जो है गलियों में जो है दुकान वगैरह सब कुछ खुला रहता है। और
और जब सर्विसिंग के बाद आपका जब मोबिल वगैरह लगता है और उसके बाद जब मतलब आप बाइक को धुलाते नहीं हो तो काफी ज्यादा मतलब एक हर तरफ मोबिल लगा हुआ है और बहुत ज्यादा गंदा होके रखा है। बट इसको भी जो है हम कल वॉश करवा देंगे। एंड अभी जो फिलहाल हम आके पहुंच चुके हैं इस लेक के तरफ, आप देख सकते हो पीछे ही हमारा जो बहुत ही खूबसूरत वाला लेक है। एंड यार दिस इज अ वेरी इवनिंग में आके चिल मारने टाइप्स वाला प्लेस, काफी ज्यादा मजा आती है यहाँ पे आके। एंड जब भी हम सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रेजी करेंगे, जैसे कि हमने परसों रात को डिसीजन लिया था कि अभी फुल और रेगुलर व्लॉग्स करेंगे भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो अब अपनी किस्मत इतनी अच्छी है कि कुछ ना कुछ पनौती लगी जाता है। ठीक उसी तरीके से कल रात को मतलब पाव में बहुत गंदे से चोट लग गई थी एंड अभी जो पूरा पूरा उंगली छिल चुका है एंड अभी गियर शिफ्टिंग में कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना गाइस, आई कांट इवन टेल यू। एंड बाकी स्काई देख सकते हो, टुडे इज द परफेक्टली ब्यूटीफुल लुकिंग स्काई वाला डे। मतलब ऐसा स्काई बहुत कम ही देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब कैमरे में बहुत ज्यादा अच्छा आता है जब भी होता है। तो अभी क्या करते, 2-3 मिनट हम बैठते हैं, आपके लिए अच्छा सा टाइम लैप्स यहाँ पे हमने लगा के छोड़ दिया है, तो आप इस टाइम लैप्स का मजा लो, हम 2-3 मिनट इस वादियों का मजा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं कहीं पे मिलते हैं जी। सो हाँ जी, हम जो घर आके वापस से पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग का काम भी ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। तो नाउ द मेन पॉइंट जिसके लिए बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टेंटली कमेंट आ रहा था और मतलब बहुत सारे लोग क्यूरियस भी हो रहे थे कि भाई ने एक नया बाइक खरीदा, आरसी लिया, 2-3 वीडियोस आया, 2-3 महीने 5-6 वीडियोस आया, उसके बाद बाइक गायब। तो मतलब क्या हुआ, R3 को लेने के बाद मेरे जी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे को जो लगा था कि मुझे वो बूस्ट मिलेगी, वो बूस्ट मुझे मिली नहीं। ठीक है, सबसे पहला बात। एंड सेकेंडली R3 इज अ वेरी हाई मेंटेनेंस बाइक और मैंने कहा भी था कि मेरा लेने का वन एंड ओनली रीज़न था कि मुझे YouTube में कंटेंट डालना है, बट उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा था, तो उसके चलते जो है मैंने बाइक बेचा नहीं है बट अपने भाई को दे दिया है जो कि रहता है आजरा में। और मतलब अपना शिबू भाई के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी थोड़ा बहुत मतलब एक बाइकिंग से बाइक वगैरह चलाने में थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, तो इन सब कारणों की वजह से। भाई मेरा जो भाई है उसके पास ऑलरेडी एक R3 है, उसका 2018 या 2019 का मॉडल है, उसका ABS वाला है, तो हमने उसको कुछ दिन के लिए दे के रखा था क्योंकि मेरा वाला एक तो नॉन ABS था प्लस इतना पावरफुल बाइक तो हमको चलाने में मतलब थोड़ा वैसा टाइप का था। तो बाइक सेल नहीं किया है मेरे भैया के पास है, अब आजरा में है तो जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, वरना जाके लेके आते। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है बाइक रखेंगे नहीं, हम सेल कर देंगे क्योंकि मतलब नहीं बनता। एक तो सबसे पहला चीज़ जो है नॉन ABS बाइक है, नॉन ABS बाइक अभी मतलब एक डर सा बैठ गया यार कहीं ना कहीं अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम बाइक सेल करेंगे। इसीलिए जो है हमने स्विफ्ट भी ले लिया है और मतलब जितना पैसा RT में डाला था उतना पैसा हमने स्विफ्ट में डाल दिया है, अभी कहीं से तो हिसाब मिलाना होगा। देखते हैं यार, जो भी करेंगे अच्छे मतलब अच्छा कुछ सोच के ही करेंगे, चैनल का फ्यूचर सोच के ही करेंगे, बाद में फिर कभी मौका मिला तो Duke 390 ले लेंगे या फिर कोई और R3 का ABS मॉडल वाला मिलता है तो वो ले लेंगे। तो जी यही चीज़ था, मैं एक्चुअली ये चीज़ अभी फिलहाल कैमरे में शेयर नहीं करना चाहता था, बट जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मुझे भी लगा कि बता देना ज़रूरी है, तो यही था। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो R3 लेने के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, इधर आ रहा होगा फ्लैश हो रहा होगा Instagram ID। एंड अगर आप अच्छे ऑफर देते हो तो फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली जो है बाइक सेल कर दूंगा। तो यही रीज़न था कि आपको R3 नहीं दिख रही है वीडियो में, बट आप लोग इतना मांग कर रहे हो तो हम लाएंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे उसको देने से पहले। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को इसी नोट पे एंड कर दे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्दी किसी एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, जॉय और हम पीस।